श्री पंकज कुमार, गिफ्ट सिटी ना मैनेजिंग डायरेक्टर श्री तपन रे जी, आईटी सचिव श्री विजय नेहरा जी, डीएसटी डायरेक्टर श्री सचिन गुच्छिया जी, उद्योग जगत ना सब अग्रगण्य श्री प्रेस मीडिया ना सब मित्रों सब ने नमस्कार। गुजरात ना आईटी क्षेत्र ने विकास की नवी ऊंचाई पहुंचाड़वाना लक्ष्य साथ आज वर्ष 2022-27 माटे नी नवी आईटी पॉलिसी नी लॉन्चिंग आज करी रहा छे। बीतेला दशकामां इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र अद्भुत क्रांति आवी छे। समग्र वैश्विक अर्थतंत्र नी कायापलट आ क्रांतिए करी दीधी छे। अन्य तमाम क्षेत्रों विकास में पण आ आईटी क्रांतिए उद्दीपक ने भूमिका भजवी छे। अपना सौ माटे गौरवनी वात छे के ग्लोबल आईटी इकोसिस्टम ना मामले आज भारत दुनिया ना देशों में लीडर तरीके उभरी आव्यु छे। आवनार दायका ने भारत में टेकेड एटले के टेक्नोलॉजी नो दायको बनावानुं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी नुं विजन छे। डिजिटल इंडिया अभियान ने वेग आपीने आईटी क्षेत्र ना विजन ने साकार करवामां निर्णायक भूमिका भजवी रह्या छे, त्यारे आधुनिक टेक्नोलॉजी क्षेत्रे आत्मनिर्भर बनवानी दिशामां आपणा देशे हरणफाळ भरी छे। आवनार समयमां गुजरातमां अर्थतंत्रनो विकास इनोवेशन अने टेक्नोलॉजी पर आधारित थशे। आ क्षेत्र युवानोने खूब मोटा पाये रोजगारी पूरी पाडशे। राज्यमां आईटी इकोसिस्टमने वधु सुदृढ बनाववामां पण इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र की अग्रिम भूमिका रहेशे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में गुजरात देश नु अग्रिम राज्य छे। माननीय प्रधानमंत्री श्री ना विजन तेमज तेमना सतत मार्गदर्शन ने परिणामे आज गांधीनगर नु गिफ्ट सिटी वैश्विक दरे टोचना फाइनेंशियल अने टेक्नोलॉजी हब तरीके उभरी आव्यु छे। गिफ्ट सिटी ना माध्यम थी आज गुजरात ना आर्थिक फलक नो चौतरफा विकास थई रह्यो छे। फाइनेंशियल अने टेक्नोलॉजी क्षेत्र में संख्याबंध नेशनल अने मल्टीनेशनल कंपनियों जंगी मूडी रोकाण आकर्षवानुं माध्यम गिफ्ट सिटी बन्युं छे। मोटा पाये रोजगारी ना अवसरोनुं पण आना कारणे सर्जन थयुं छे। इन्फ्रास्ट्रक्चरना सुगोत विकास में गुजरात अन्य राज्यों करता केटलुं झड़पथी आगळ वधी रह्युं छे तेनुं एक गौरवंतु उदाहरण भारत नेट प्रोजेक्ट छे। छेक छेवाड़ाना विस्तारों सुधी ब्रॉडबैंड सुविधा पहुंचाड़वा गुजरात टोचना स्थाने छे। आज राज्य की लगभग दरेक ग्राम पंचायत सुधी ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क आपणे पहुंचाड्यु छे। भारत नेट प्रोजेक्ट एक एवो इन्फॉर्मेशन सुपर हाईवे छे जेनाथी राज्य सरकार की नागरिक लक्षी सेवाओं व्याप अनेक गणो वधी जशे। गवर्नमेंट टू सीटिजन सेवा में एक नवी क्रांति आवशे। माननीय श्री नरेन्द्र भाई धर्मदेशी नेतृत्व में गुजराते स्किल डेवलपमेंट की दिशा में नोंधपात्र कामगिरी करी छे। छेल्ला बे दशका दरमियान गुजरात में गांधीनगर खाते आईटी आईआईटी गांधीनगर और वडोदरा में आईआईटी उपरांत डीएडब्ल्यूआई सीटी और पीडीपीयू जेवी ख्यातनाम शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना थई छे। आ तमाम प्रयासों ने लीधे गुजरात में मोटी संख्या में प्रतिभाशाड़ी और कौशल्यवान आईटी वर्कफोर्स निर्माण थयु। शहरों की आर्थिक संपन्नी संपदा की बात हो गुणवत्तामय जीवन के पीछे दरेक प्रकार संजोगों में विकास ने अविरत राखवा क्षमता गुजरात आ तमाम बाबतों में आज देश टोचन राज्य गणाय। भारत सरकार हाउसिंग एंड अर्बन एफएस मंत्रालय द्वारा बहार पाड़वामां आवेल ईज ऑफ लीविंग इंडेक्स 2020 अने म्युनिसिपल परफॉर्मन्स इंडेक्स 2020 में गुजरातना शहरों अमदावाद, सूरत, वडोदरा अने गांधीनगर टॉप 10 में स्थान मेळव्युं छे। गुजरात में शहरी जीवन अत्यंत सलामत छे। शहरों में रहेवानो अनुभव श्रेष्ठ छे। कॉर्पोरेट सोशियल कल्चर पण अद्वितीय छे।
આઈટી પ્રોફેશનલ માટે આ મુદ્દાઓ ખૂબ મહત્વના છે, એટલે ગુજરાત આજે આઈટી ક્ષેત્રની મોટી કંપનીઓ માટે પસંદગીનું રાજ્ય બન્યું છે. ટીસીએસે ગુજરાતમાં જંગી મૂડી રોકાણ કર્યું છે. ગુજરાત ખાતે 10,000 બેઠકના આઈટી કેમ્પસ ટીસીએસ ગરિમા પાર્કનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. ગુજરાતની આઈટી ઇકોસિસ્ટમને વધુ સુદૃઢ બનાવવામાં પણ આ પાર્ક મહત્વની ભૂમિકા ભજવશે. એટલું જ નહીં, ગુજરાત સરકારે આઈટી ઇકોસિસ્ટમને વધુ વેગ આપવાના ઉદ્દેશ સાથે વર્લ્ડ ક્લાસ આઈટી ટાઉનશીપ તેમજ આઈટી સિટીના નિર્માણમાં સહાયરૂપ થવાનું આયોજન કર્યું છે. આવી ટાઉનશીપમાં તમામ આધુનિક સવલતો હશે અને વોક ટુ વર્ક કલ્ચર હશે. આ માટે ગુજરાત સરકાર રિયલ એસ્ટેટ ડેવલપર્સને 100 કરોડ રૂપિયા સુધીના ઇન્સેન્ટિવ્સ આપીને સહાય કરશે. સરકારી સહાય મેળવેલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે ગુજરાત સરકાર એમ્પાવરમેન્ટ મોડલનો આગવો કોન્સેપ્ટ લાવી રહી છે. રાજ્ય સરકાર પ્રાઇવેટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ સાથે સહયોગ સાધીને અત્યાધુનિક આઈટી કોવર્કિંગ સ્પેસનું નિર્માણ કરવા જઈ રહી છે. નવા આઈટી તેમજ આઈટીએસ યુનિટ્સની કામગીરી ફાસ્ટ ટ્રેક પર શરૂ થઈ શકે તે માટે રાજ્ય સરકાર તેમને સીટ દીઠ 10,000 રૂપિયા જેટલો રેન્ટલ સપોર્ટ કરશે. આઈટી આઈટીઈએસ પોલિસી 2022ના માધ્યમથી રાજ્યની આઈટી ઇકોસિસ્ટમના વિકાસ માટે એક અત્યંત સાનુકૂળ માહોલ તૈયાર કરવાનો ગુજરાત સરકારનો ઉદ્દેશ છે. ગુજરાતના આઈટી સેક્ટરનો 8 ગણો વિકાસ કરવાનું લક્ષ્ય રાજ્ય સરકારે રાખ્યું છે. આવનાર 5 વર્ષમાં ગુજરાતના આઈટી એક્સપોર્ટને રૂપિયા 3,000 કરોડથી વધારીને 25,000 કરોડ સુધી લઈ જવાનો મહત્વાકાંક્ષી લક્ષ્યાંક અમે નિર્ધારિત કર્યો છે. આ વિઝનને ધ્યાને રાખીને નવી આઈટી પોલિસીની રચના કરવામાં આવી છે. આઈટી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના નિર્માણમાં સહાય કરવી, સ્કિલ ડેવલપમેન્ટને વેગ આપવો તેમજ બિઝનેસ માટે વધુ સાનુકૂળ માહોલ